भुवनेश्वर हम 8:30 बजे पहुंचे। वहां से हम रिक्शा से वहां से 1.5 किलोमीटर अंतर पर एक बीच हट नाम का होटल है, वहां हम रुके। वहां हरे राम हरे कृष्णा का प्रोग्राम था दूसरे दिन, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली था होटल। तो भी हमें 1500 को हमें रूम मिला। वहाँ हम स्नान किया, फ्रेश होने के बाद में हम वहाँ से 10 बजे निकले, क्योंकि मुझे दूसरा प्रहर मंदिर के भीतर करना था। बाहर बैटरी वाली रिक्शा थी, हमने रिक्शा लेकर वहाँ से मंदिर तक 3 किलोमीटर का अंतर था, हम वहाँ तक गए। रिक्शा तो आगे तक नहीं जाने वाली थी, तो एक स्टैंड है, तो वहाँ स्टैंड पर रिक्शा उतरा और वहाँ से हम उनकी लोकल एक बस है, वहाँ से 10 रुपये उनकी टिकट है। टिकट से हम जहाँ लाइन स्टार्ट होती जगन्नाथपुरी की दर्शन की, तो हम उस दर्शन के लिए वहाँ से हम जाने वाले थे। बाजू में ही चप्पल स्टैंड, हमारा मोबाइल वो लोगों ने जमा करके लिया, फ्री में सर्विस है, आप वापस वो मिला सकते हैं। पहला सुबह का प्रहर हमें हमारे जगन्नाथ जी ने करके लिया। अभी दूसरा प्रहर ये हमारा हमें मंदिर में करना था 11:40 से दोपहर 1:10 तक। हम वहाँ बराबर 10:45 बजे पहुँचे। लाइन बड़ी थी, हजारों लोग लाइन में थे और हम आगे आगे जा रहे थे, और उतने में हमारा टाइम होने को आया 11:30 के आगे, और एक ही स्टेप आगे था, उधर भी बहुत सारी भीड़ थी। और हमें जब चेकिंग हुई हमारी, हम अंदर पहुँचे, क्योंकि अंदर तो मोबाइल हमने नहीं लेके गए। तो ये मैं आपको आगे की बातें बता रहा हूँ। तो मंदिर में जाने के समय मेरी इंस्टेंटली चंद्र नाड़ी फुल एक्टिव हो गई। मेरा प्रहर जगन्नाथ जी करके ले रहे थे। हम पूर्व दरवाजा से अंदर निकले। पूर्व दरवाजे के सामने और एक अरुण स्तंभ है। अंदर जाने के बाद एक राइट साइड में पतित पावन एक मूर्ति है, और थोड़ा आगे जाने के बाद उधर हमें 22 सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। ऊपर एक यमशिला है, तो उसके ऊपर पैर देखकर जाना होता है। वहाँ से आपके ऐसे कहा जाता है कि आपका जो कोई दोष है, आपने कुछ पाप किया है, तो वहाँ से निकल जाता है। आगे एक शिव मंदिर लगा हमें, कल्पवृक्ष के वहाँ गए, वहाँ हमें हमारे कुछ मन्नतें मान ली और वहाँ कुछ धागा बांधना पड़ता है, वो हमने एक प्रोसेस की। वहीं नीचे एक बड़ गणेश, बड़ जगन्नाथ, ऐसे भी कुछ मंदिर थे। और उसके आगे एक दक्षिण दरवाजा था, वो दक्षिण दरवाजा के थोड़ा बाहर जाने के बाद एक 8-10 फुट की एक शिला है, उसे शिला भेदी पत्थर कहते हैं। हम एक साइड से बोलते हैं तो दूसरे जगह हम कान लगाते हैं तो हम सुन सकते हैं। उसके आगे हमने प्रसाद लिया जो हमें भोग चढ़ाना था भगवान के लिए, और उसके बाजू में जो महारसोई थी उधर खाना पक रहा था, और हम लाइन में लग गए। स्टार्टिंग में मुक्ति मंडप, आदि नरसिंह, रोहिणी कुंड, विमला देवी मंदिर, शक्तिपीठ, ये सब अभी लगे।
हम मंदिर के अंदर दर्शन लिया। दर्शन साक्षात हमें जगन्नाथ जी को देखकर हमारा मन भर के आया। बहुत भीड़ थी तो भी हम कुछ देर क्षण उधर थे, भगवान को भोग चढ़ाया और वहाँ से हम बाहर आ गए और हमने प्रसाद लेने के लिए, महाप्रसाद लेने के लिए हम अंदर गए। वहाँ प्रसाद दो तरह का होता है, एक सूखा होता है और एक जो पका हुआ, जो सात जो हमारी मिट्टी के जो बर्तन होते बड़े, तो वहाँ पका होता है। ऐसे कहा जाता है कि वहाँ जो सात तो ऊपर का जो खाना पहला पकता है। अभी आप सामने देख रहे हैं ये जो झंडा है, हवा के उनको लेफ्ट साइड में घूम रहा है, पर इसके बराबर अपोजिट में एक झंडा दिख रहा है, उसके अपोजिट है। तो एक चमत्कार ये हवा के विपरीत वो झंडा जो फैलता है जाता है वहाँ से। और उधर देखेंगे तो आजू बाजू के यहाँ आपको बहुत सारे पंछी उड़ते दिखते हैं, पर मंदिर के ऊपर कोई भी पंछी नहीं होता। हम दर्शन लिया, बाद में हमने प्रसाद लिया, प्रसाद भी बहुत स्वादिष्ट है, गर्म तो नहीं होता, थोड़ा ठंडा ही होता है क्योंकि सुबह 9:30 बजे वो प्रसाद शुरू होता है। वो तो थोड़े उधर हम थोड़े से पैसे देकर ही उसको लेना पड़ता है, आप जैसे चाहे वो ले सकते हैं। कोई लोग हंडी में लेके जाते हैं, मटके में, कितने लोग का जो का चाहिए उस तरह से उसका रेट होता है। और ये निरंतर होता है। ये जो चार दरवाजे हैं, जो पूर्व दरवाजा है ये हम जैसे सर्वसाधारण लोगों के लिए है, दक्षिण दरवाजा ये राजा और सेवक लोग होते हैं उन लोग के लिए होता है, और जो पश्चिम दरवाजा है वो पुजारी लोगों के लिए होता है, और उत्तर दरवाजा है वो विकलांग लोग होते हैं, जो अंधे है या अपंग है उनके लिए ये सेवा होती है। आपको प्रश्न पड़ा होगा कि मैंने मेरा प्रहर कैसे पूरा किया दूसरा, तो जब मैं अंदर गया और जब भगवान को दर्शन ले रहा था तो वह एक महालक्ष्मी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के वहाँ दर्शन लेने के बाद थोड़ा देर वहाँ विश्राम के लिए जगह है, अब वहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो हमने उस मंदिर के बाहर जाने के बाद एक मंडप था, हम वहाँ जाकर वो प्रहर आगे का एक घंटे का पूरा कर दिया, और वो होने के बाद बाकी के जो दर्शन होने के बाद हमने मेन जगन्नाथ जी का दर्शन ले लिया और बाद में हम महाप्रसाद लिया। इस तरह से हमारा दूसरा प्रहर अच्छी तरह से सफल रहा, जो हमने चाहा था जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर वो होना चाहिए। बाहर आने के बाद ये साइकिल रिक्शा थी, हमें वहाँ से स्वर्ग द्वार बीच पे जाना था, तो हम वहाँ से इस रिक्शा से स्वर्गदार बीच के वहाँ हम जा रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति था, वहाँ बहुत लोग हार्डवर्क कर रहे काम करते हैं, इसलिए हमने इनको चुना क्योंकि बाकी के लोगों के पास रिक्शा है, बैटरी है, तो ये उनके पास लोग ज़्यादा जाते नहीं क्योंकि उनकी ट्रैवल बहुत स्लो होती है और आए देखते रहते। अगर आप वहाँ जा रहे तो उनके साथ जाइए, यात्रा करें तो उनको भी थोड़ी आमदनी मिलती है, ज़्यादा पैसा नहीं लेते, वो थोड़ा ही लेते। हमको वहाँ से आने के लिए उन्होंने 80 रुपये मांगे थे, हमने उनको 100 रुपये दे दिए और हम वहाँ उतरे। बाहर ठंडा नारियल पानी पिया और हम समंदर के पास
गए। वहाँ सामने ही अंदर सैंड आर्टिस्ट काम कर रहे थे, शिवजी की प्रतिमा बना रहे थे। स्वर्ग द्वार में बहुत भीड़ है और इसके बगल में ही आगे 500 मीटर के ऊपर गोल्डन बीच है। वहाँ कुछ पैसा देकर आप एंट्री कर सकते हैं क्योंकि वो ब्लू फ्लैग बीच है। वहाँ आपको सारी सुख सुविधा मिलती है, स्वच्छ बीच है। तो अभी हमें इस बीच के ऊपर कैमल की सफर करना था, इसलिए हमने एक कैमल को वाले को हमने हायर किया और एक राउंड लिया हमने वहाँ से। तो एक अच्छा अनुभव रहा क्योंकि ये हमारी इच्छा थी कि कैमल की एक सवारी हो जाए। आप बाजू में देख सकते हैं कुछ छाता लो लगा कर लोग बैठे हैं, तो उधर कुछ कुर्सियां है। अगर आप वहाँ 2 या 3 घंटे के लिए बैठते तो आपको 100 रुपये लेते हैं, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बीच है समंदर का, ये बहुत दूर तक है। आप और आगे तक जाएंगे तो भी आपको दूर से वो समंदर हमें दिखता है। हम थोड़ा देर वहाँ रुके, थोड़ा आराम किया, रेस्ट किया वहाँ। और रेस्ट होने के बाद में हम वहाँ से चलते चलते जो हमारा जो डेस्टिनेशन था, जहाँ हमारा होटल है, वहाँ से 1 किलोमीटर था। हम ऐसे ऐसे चलते चलते वहाँ गए क्योंकि मुझे एक तीसरा प्रहर भी फॉलो करना था जो शाम के समय था। और यह जो सूरज डूबने का जो समय है वो भी नज़दीक आ रहा था। तो हमने सोचा था कि हम होटल में जाएंगे, फ्रेश होकर आएंगे। हम जाने के बाद में उधर समय होने को आया था, तो हम सब हमारे जो हमने बैग भी लेके गए थे वो सब उधर रख दिया, थोड़ा चेंज किया। और हमने सोचा था कि पुरी का जो बीच है वहाँ जाकर पानी में भीगना है। जैसे जैसे शाम हो रही थी तो ठंड पड़ने लगी। मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ इस बीच में समुद्र के जगह पर इतना ठंडा होता है। फिर मुंबई या हम कोंकण में देखते हैं तो वहाँ तो हीट होती है, मगर यहाँ तो हमें विपरीत दिखा। शायद विषुवृत्त होगा इसलिए होगा वह होगा। जब हम वहाँ गए, थोड़ा देर रुके, तो जो पुरी का बीच था वो बहुत सुंदर है। जैसे वो जो हमारा हमें अब जो स्वर्ग द्वार बीच में गए थे वहाँ पर भीड़ थी, मगर इस बीच के अंदर इतना भीड़ नहीं थी। साधारण से लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। और अभी सूरज डूबने को आ रहा था और मेरा प्रहर भी शुरू होने वाला था। और वो ये समंदर है, ये थोड़ा सा नीचे डीपली जाता है, तो हम ऊपर की ओर, हमारे पास एक चादर थी, तो समंदर जो हमारा जो बीच है वही हमने चादर डाल दी। और मैंने वहाँ पूरा आधा घंटे तक वहाँ मेरा एक प्रहर मैंने मेरा पूरा किया आधा घंटे तक, क्योंकि तीसरा प्रहर था। जैसे जैसे शाम हो रही थी तो ठंड ज़्यादा ज़्यादा बढ़ने लगी। और वहाँ से मेरा 5 मिनट के ऊपर मेरा होटल था, हम वहाँ से ही वापस रिटर्न हम आ गए होटल में। और होटल में आने के बाद में आगे का पूरा प्रहर मैंने वहाँ पूरा कर दिया।
फरार हुआ। होने के बाद हमने एक चक्कर खाना खाया। अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो सुंदर सूरज डूब रहा है, उसका नज़ारा है। और ये जब शूटिंग मेरी जो हो रही है, मैं प्रहर करते करते मैंने लगा कर रखा था ट्राइपॉड, शूटिंग भी हो रही थी और मेरा प्रहर भी हो रहा था। लोग आ रहे थे जा रहे थे, आप वो नहीं देखना है, लोग क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, आप अपना कार्य करो, आप आपका प्रहर पूरा करो। और मैंने मेरा पूरा प्रहर उधर मैंने किया, आधा घंटा यहाँ किया, 5 मिनट होने के बाद मैं होटल में गया और होटल जाने के बाद आगे का 1 घंटा और बढ़ाकर और मैंने पूरा मेरा प्रहर पूरा कर दिया। आप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, क्योंकि मैंने जितने सारे अभी मैंने जो तीर्थ क्षेत्र जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था मथुरा, वो भी उसी दिन मेरा प्रहर था। अभी हम 2 महीना पहले द्वारका में गए थे, उसी दिन मेरा प्रहर था, वो भी मैंने पूरा कर दिया। और देखो अभी इस धाम में आया तो उसी दिन मेरा प्रहर है। तो ये शिवजी हमसे करवा के लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, मगर आपकी पूरी इच्छा होनी चाहिए करने की। आप अगर ताल मटोल करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं, आपको कुछ भी मार्ग नहीं मिलेगा। आप अगर उसके ऊपर बोलते रहेंगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है, काम है, शादी है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो वो नहीं होने वाला। आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए मुझे करना ही है। तो आपके लिए शिवजी और ये गणेश या हमारे जय जगन्नाथ जी, ये सब हमारे लिए तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, वो जीन है हमारे, मगर हम हमारे ऊपर ईगो फैक्टर है ना, हम मैं ये करूँगा, आप कुछ नहीं करना है, आप छोड़ देना है। जैसे मैं मंदिर के अंदर जा रहा था तो मुझे लग रहा था मेरा प्रहर कैसा होगा दूसरा, क्योंकि इतनी सारे भीड़, मगर हम अंदर गए तो एकदम स्मूथली हम गए। और देखो ना, जब एंट्री किया तो मेरा पूरा चंद्र स्वर इतना स्ट्रांगली चल रहा था जो मेरे कभी भी इतना नहीं चला, तो मेरा राइट इतना ब्लॉक हो गया था, कभी मेरा राइट इतना ब्लॉक नहीं होता। तो उस टाइम मैं वही सोच रहा था मेरा चंद्र स्वर कैसा चल रहा है, तो ये उसकी कृपा है। महालक्ष्मी के मंदिर में अंदर गए तो कुछ लोग साधक बैठे थे वहाँ, हम उनको ही एक व्यक्ति वहाँ लेटा था, तो हमने भी एक ऐसा समझ लिया कि वो साक्षात कोई ईश्वरी था वो, जो हमको मार्ग दिखाने के लिए, तो हमें भी वो चांस ले लिया। तो डायरेक्ट लेटे नहीं, पर हमने हमारा हाथ रख दिया अपने राइट मस्तक के वहाँ और थोड़ा लेट कर वो हमने प्रोसेस पूरी की। ये सब हो सकता है। तो हम अभी कल यात्रा करने वाले हैं, तो कल जो हमारी जो यात्रा होने वाली है, हम साइट सीन की हम वहाँ कोणार्क मंदिर में जाने वाले हैं, धवलगिरी, उदयगिरी, चंद्रभागा, आनंद कानन, ये सब देखने वाले हैं। तो उस यात्रा में आप मेरे साथ रहे और पूरा एंजॉय करें, आपको भी अनुभव आएगा कि ये यात्रा करने बहुत असंभव नहीं होता, और कोई ग्रुप की जरूरत नहीं होती, आपका साथी ही, आप पत्नी के साथ जा सकते हैं, आपके बच्चों के साथ जा सकते हैं और आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया जगह है ये। आप वहाँ अकेले
शांत बैठकर ध्यान कर सकते हैं। वो जो साउंड है, साउंड सुनते सुनते समंदर का आप ध्यान में लीन हो सकते हैं। मैंने तो मेरा वह प्रहर आधा घंटे के लिए पूरा कर दिया और कुछ क्षण में हम वहां से निकले और हमारे होटल में पहुंचे और होटल में जाकर बाकी का जो मेरा प्रहर था एक घंटे का, वो मैंने पूरा कर दिया और हम वहां से थोड़ी देर के बाद फ्रेश होने के बाद हम खाना खाने के लिए गए और बाहर एक मिठाई मिलती है, यहाँ की स्पेशल मिठाई है, तो हमें रसगुल्ले पसंद है तो हमने वहाँ रसगुल्ले का स्वाद लिया। एक बड़ा रसगुल्ला 10 रुपये को एक मिलता है, बहुत सारे रसगुल्ले हमने खाए। और जब हम रिटर्न जब निकलने वाले थे पूरी से पुणे, तो हमने वहाँ से बहुत सारे रसगुल्ले ले लिए, अच्छे मिले थे, फ्रेश थे। तो आप भी एंजॉय कीजिए इस यात्रा को और कल की यात्रा के लिए आप मेरे साथ भी रहिए। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।